देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज और मैं हूं प्राची तिवारी। हमारे देश में रंग रूप को लेकर न जाने कब से लोगों को ताने उलाहने सुनने पड़ते हैं। आज वक्त बदल गया है, मगर फिर भी फेयरनेस क्रीम हमें ये एहसास दिलाती रहती है कि हमारा गोरा दिखना कितना जरूरी है। रंग रूप को लेकर आम आदमी ही नहीं बल्कि फिल्मी स्टार और राजनीतिक हस्तियों पर भी छींटाकशी करने से लोग बाज नहीं आते हैं। कर्नाटक चुनाव में जबरदस्त घमासान के बाद आखिरकार कुमारस्वामी ने सीएम पद की शपथ ले ही ली, मगर वो इस बात को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि वो चर्चा में इन दिनों अपनी खूबसूरत पत्नी की वजह से ज्यादा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते ही कुमारस्वामी की निजी जिंदगी के पन्ने भी लोगों ने पलटना शुरू कर दिए। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि जितना इन दिनों कुमारस्वामी सर्च नहीं किए जा रहे हैं, उससे ज्यादा तो उनकी पत्नी ट्रेंड में है। वजह ही कुछ ऐसी है। दरअसल कुमारस्वामी ने 1986 में अनीता कुमारस्वामी से शादी की थी। इसके बाद उन्होंने 2006 में कन्नड़ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री राधिका से दूसरी शादी कर ली। राधिका ने अपने करियर में अब तक तकरीबन 32 फिल्मों में अभिनय किया है। राधिका कन्नड़ फिल्मों के अलावा कुछ तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा अब वो फिल्में भी प्रोड्यूस करती हैं। दोनों की उम्र में करीब 27 साल का अंतर है। कुमारस्वामी 58 साल के हैं, जबकि राधिका महज 31 साल की हैं। राधिका बेहद खूबसूरत हैं और काफी लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, इसलिए लोग ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि साधारण से दिखने वाले कुमारस्वामी से आखिरकार राधिका ने कैसे शादी कर ली। दरअसल हमारे समाज की सोच ही कुछ ऐसी है, अगर पति पत्नी में से कोई एक जरा भी कम खूबसूरत है तो लोग रिश्तों पर ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अब आप ही सोचिए कि गूगल की सर्च में राधिका रातों रात सर्च लिस्ट में टॉप पर कैसे आ गईं? सिर्फ इसलिए कि लोग गूगल पर उन्हें ढूंढकर अपनी तसल्ली करना चाहते हैं कि क्या राधिका कुमारस्वामी की वाकई में पत्नी है। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।